उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुबह और शाम इतना कुछ घट रहा है कि वाकई में ये कहा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव चल रहा है आपको क्या लगता है जिस तरह से रेड होती हैं चुनाव से ठीक पहले सही गलत क्या मानते हैं आप सही चीज है होना चाहिए ये नहीं चुनाव कि चुनाव, से, चुनाव से, पहले... से पहले ही होना चाहिए लेकिन होना चाहिए जहाँ लगना चाहिए जहाँ गलत है वहाँ होना चाहिए जब तक रेड नहीं होगी तब तक काला धन वापस नहीं आएगा काला धन आना था है अभी तक आ रहा होगा रास्ते में आ जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुबह और शाम इतना कुछ घट रहा है कि वाकई में ये कहा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव चल रहा है और चले भी क्यों ना भाई यहाँ पर भांति भांति के तमाम नेता हैं अलग अलग तरह की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं और अभी जो हाल ही में गतिविधि घटी है जिस तरह से चुनाव से पहले रेड का जो सिलसिला शुरू होता है वो किस तरह से लोगों के जहन पर असर करता है इस पर हम बात कर रहे हैं लखनऊ के इस रिवर फ्रंट पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम ये बात करेंगे क्योंकि बंगाल के चुनाव में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अब उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक तरह का जिसे कहते हैं ना एक फ्लो बन जाता है कि जब भी चुनाव है उससे पहले अगर कोई भी पैसे की जब्त करने की जो नीयत है या जब्त करने का जो है है या फिर जिनसे जब्त किया जा रहा है उनकी क्या उस वक्त परिस्थिति है तमाम ये सारी बातें सामने जनता के आती हैं लेकिन क्या इसका चुनाव पर असर होता है इस बारे में बात करेंगे कुछ यूथ है हमारे साथ यहाँ पर जो लखनऊ से भी है बनारस से भी है है ना उनसे बात करते हैं आपका नाम क्या है शिवम पांडे अच्छा शिवम ये बताइए कि आप यहाँ पर लखनऊ में रहते हैं क्या हाँ लखनऊ में पढ़ रहा हूँ सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अच्छा 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 तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बहुत कुछ घट रहा है है ना क्या मतलब क्या खास आपको ऐसा नज़र आ रहा है जो कि आपको लग रहा है कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव में मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती एक्चुअली में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जो चीज़ अच्छी नहीं है वो ये है कि लोग पर्सनल चीज़ों पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं लोगों के लोगों का मुद्दा कुछ और है अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं और उन मुद्दों को छोड़ के लोग उनके पर्सनल चीज़ों पे अटैक कर रहे हैं ये अच्छा। इशू आता है प्लस अगर जैसे कि बीजेपी की बात कर लें इनका पार्टिकुलर जो मुद्दा है हिंदुत्ववादी या फिर जो भी मुद्दा है इनका तो ये अपने मुद्दे पे है तो हिंदुत्व पे होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए अच्छा हिंदू होना चुनाव का आधार होना चाहिए हिंदू होना चुनाव का आधार नहीं होना चाहिए लेकिन हिंदू होना चुनाव में एक अहम रोल होना चाहिए क्यों होना चाहिए बिकॉज पास्ट में जो सारी चीजें घटी हुई हैं पास्ट में जो हिंदुत्व वो जो आपके जहन पर असर के बिल्कुल है। असर करती है और फिर वो आपके वोट पर असर करती है बिल्कुल वोट और वोट किस पर और किस असर करता है वोट हमारे समाज पर असर करता है समाज पर समाज में यैसे? जैसे जैसे की आम... समाज की बेहतरी के लिए बिल्कुल जैसे उसमें क्या आता है मैम उसमें ये आता है किसी भी धर्म को जो इतने दिनों से दबाया गया जो हुआ था हिंदुत्व के साथ अच्छा दिनों से दबाया गया था तो अगर वो वो भर के आना चाहिए भर के बिल्कुल आना चाहिए जो इसकी पिछली विकास विकास साथ में होना चाहिए अगर कोई धर्म बढ़ा है हिंदुत्व और विकास में किसे चुनोगे मैं हिंदुत्व के साथ विकास को चुनूंगा नहीं हिंदुत्व और विकास में किसे चुनोगे अगर आप हिंदुत्व बढ़ाएंगे तो विकास अपने आप मैं ने, नेताओं की तरह जवाब मत दो मैं, मैं बिल्कुल मैं, क्या नाम बताया शिवम पांडे शिवम नेताओं की तरह जवाब मत दो मैं बिल्कुल हिंदुत्व और विकास में किसे चुनोगे आप किस लिए आये अभी यहाँ पे मैं एक रन था यहाँ पे हाफ मैराथन वॉलेंटियर था मैं अच्छा अच्छा तो किस आधार पे आए थे आप वहाँ मैं कॉलेज से अपने आया था मैं किस आधार पर आए थे मतलब क्या मन में क्या जज्बा था कि मुझे जाना है मन, मन में जज्बा ये था क्योंकि वो आयुर्वेद के ऊपर था तो आयुर्वेद को थोड़ा सा बढ़ाना है मैं आयुर्वेद से भी हूँ मतलब आयुर्वेद कॉलेज में लोगों की बेहतरी के लिए हाँ अच्छा असर होता है आयुर्वेद बिल्कुल ठीक है ठीक है लेकिन वो हिंदुत्व तो का हिस्सा है इसलिए नहीं लेकिन लोगों का फायदा होना चाहिए इसलिए है ना गुड खैर अभी आप थोड़ा सा ये सोचना कि हिंदुत्व तो और विकास में किसको चुनना है अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज दोनों चाहते हो आप ऐसा थोड़ी होता है यार नहीं, नेता से पूछो ना वो दोनों में क्या चीज देगा मैं आपको? मैं बता रहा एक मिनट उनसे भी पूछ लेते हैं अभी आ रहे हैं मैं अब अभी इधर बहस करूंगी तो ये लगेगा मैगी खा रहे हैं बताओ ये आयुर्वेद की बात कर रहे हैं आप लोग मैगी खा रहे हो आयुर्वेद में मैगी है क्या हाँ वेस्टर्नाइजेशन है ये तो अपनी मैगी लॉन्च करी है <laughs> पतंजलि ने मैगी लॉन्च करी भाई ये बहुत बढ़िया है हाँ बाबा जी ने बीच के रास्ते निकाल दिए है ना वेस्टर्न पतंजलि ने जीन्स भी की है वो भी जींस वो की है लॉन्च है ना हाँ। ये सब भी है खैर आप बताओ आप बताओ क्या मतलब ये जिस तरह रेड होती है चुनाव से ठीक पहले क्या संदेश मिलता है रेड होती चुनाव से पहले जो पैसे जब्त किए जाते हैं नेताओं के पास रेड होती है पिछले पाँच साल में नहीं हुई ठीक चुनाव के एक महीने पहले होती है तो इस तरह के क्या संदेश आते हैं

बढ़ी है हाँ, आप भी है, के निकल सकती हैं सड़क पर अब हाँ, न... तो निकल सकते हैं मैं नाम नहीं पर... लूंगी लेकिन हाँ पहले की जो सरकार थी उसमें नहीं निकल सकते, सकते हैं हाँ। है, गुंडागर्दी तो बहुत कम हुई है ज्यादा बवालबाजी भी बहुत कम निकल जाती है ना जी हमारे एरिया में हम निकल जाते हैं जी हम लोग लखनऊ में रहते हैं लखनऊ में पी जी आई पी जी आई हाँ वृंदावन अच्छा ठीक है आप बताइये आपको क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले जिस तरह मतलब जो ये रेड वेड होती हैं या चुनाव में क्या असर करती हैं क्या कोई फर्क पड़ता है जहन पर इस चीज़ का हाँ अब जो जो पावर में है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके हुँ. दूसरे को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सुपीरियर हैं कैसे सुपीरियर हैं अब कोई यूथ का चेहरा दिखाइए इधर से आइए हमारा क्या होगा आप इनका चेहरा दिखाइए अभी जो मतलब अभी प्रेजेंट में जो सरकार है वो मतलब यहाँ यूपी की बात नहीं कर रहे मतलब कहीं की बात करे तो जो सरकार रहती है वो ये चाहती है कि हाँ जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसको हम दबा के कैसे भी करके हम फिर से दोबारा सत्ता में आए तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन ये जो जिस तरह से रेड होती हैं चुनाव से ठीक पहले सही गलत क्या मानते हैं आप देखिए रेड तो वैसे देखा जाए तो रेड सही चीज है होना चाहिए ये नहीं कि चुनाव पहले। से पहले ही होना चाहिए लेकिन होना चाहिए जहाँ लगना चाहिए जहाँ गलत है वहाँ होना चाहिए हाँ। बहुत जरूरी है होना हाँ। जब तक रेड नहीं होगी तब तक काला धन वापस नहीं आएगा काला धन के बारे में तुम्हें याद है काला धन आना था कहाँ है अभी तक आ रहा होगा रास्ते में होगा ठीक है ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई याद दोनों कभी नहीं आएगा असम ऐसी तो कालाधन नहीं आएगा यहाँ के नेता यहाँ बंदी के बाद नहीं आएगा ऐसे तो नहीं बोलते नहीं मोदी जी लाएंगे कब लाएंगे, लाएंगे मैम से लाएंगे अरे हमारे प्रधानमंत्री विश्वास कब लाएंगे मैम विश्वास है हमें तभी तो है तीन चार साल हो गए तभी तो प्रधानमंत्री विश्वास है इसीलिए तो ये बात तो सही कही विश्वास है इंडिया के हर किसी को मोदी जी पे इसीलिए सब उनको दोबारा से बनाए थे और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा